जाओ मत आराम से। अरे कैरिटी की लो ना पिक्चर्स लिए।
पर 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 हाँ आज का इवेंट जैसा कि आपने देखा गोल्ड जिम ने ऑर्गेनाइज किया है और ये बहुत रेगुलर बेसिस पे बहुत इस तरह के बेहतरीन इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है। मैं तो अपना जिम कहता हूँ क्योंकि पिछले 10 साल से मैं यहाँ पे वर्कआउट कर रहा हूँ गोल्ड जिम में। और स्पिनिंग का जो इवेंट था आई थिंक वर्ल्ड वाइड इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इवेंट्स। लाइव म्यूजिक बज रहा था, ड्रम एंड बेस लाइव चल रहा था, तो एक अलग एनर्जी हवा में थी और इट वॉज ब्रिलियंट। एंड मेरे ख्याल से 1500-1600 कैलोरी का वर्कआउट हुआ है, ये 2 घंटे हम लोग ने किया हम सब ने मिल के, एंड इट वॉज फिनोमिनल, मज़ा आ गया। जैसा हाँ, मैं फिटनेस में बहुत विश्वास रखता हूँ और इसलिए नहीं क्योंकि अपनी फील्ड है, लेकिन जनरली मेरे हिसाब से एक फिटनेस और फिट रहना, फिट होना बहुत ज़रूरी है एक इंसान के लिए। सुबह 7 बजे 6:30-7 बजे मैं आता हूँ 1.5 घंटा इधर ही गोल्ड जिम में वर्कआउट करने के लिए। और सिर्फ वेट ट्रेनिंग नहीं करता आई डू अ लॉट ऑफ फ्री हैंड वर्कआउट, किक बॉक्सिंग, पुशअप्स, पुलअप्स, रनिंग, अलग अलग तरीकों के कार्डियो वर्कआउट्स ढूंढता रहता हूँ मैं ताकि कर पाऊँ। और फिटनेस बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फिटनेस की बात हो रही है तो ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे, फिटनेस के बारे में क्या टिप देना चाहेंगे? एक टिप मैं जो खुद फॉलो करता हूँ वो ये है कि हर 3 महीने में अपना वर्कआउट को चेंज कीजिए। और क्योंकि क्या 3 महीने में बॉडी स्टैग्नेट हो जाती है, यूज टू हो जाती है एक पर्टिकुलर तरीके के वर्कआउट से, तो उसको उसका इफेक्ट होना बंद हो जाता है आफ्टर 3 मंथ्स। सो व्हाट आई पर्सनली डू, ऑफकोर्स बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, हर बॉडी अलग होती है, लेकिन मैं खुद यही करता हूँ कि हर 3 महीने में अगर 3 महीने किक बॉक्सिंग करूँगा तो उसके अगले 3 महीने सिर्फ स्पिनिंग करूँगा, उसके अगले 3 महीने सम अदर फॉर्म ऑफ वर्कआउट लाइक क्रॉसफिट और स्विमिंग। सो आई कीप चेंजिंग माय वर्कआउट एवरी 3 मंथ्स बेसिकली। बहुत अच्छा, हमारे जो डीजे हैं बहुत बढ़िया वो प्ले करते हैं और म्यूज़िक बहुत इंस्पायर करता है अच्छा वर्कआउट करने के लिए, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट फिजिकलिटी, इट्स अबाउट मेंटल। आपका जो माइंड है दैट इज़ योर मेन इंजन, वो आपको आपकी बॉडी को ट्रेन करता है, आपकी बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है कि आपकी बॉडी थकी हुई है या नहीं थकी हुई, या कितना और एंड्योरेंस ले सकती है, कितना और टॉलरेशन है आपकी बॉडी में, कितना पावर है। तो ये अगर आपका स्ट्रांग रहेगा तो माइंड स्ट्रांग रहेगा तो बॉडी अपने आप स्ट्रांग रहती ही है। तो माइंड को स्ट्रांग करने के लिए और माइंड को और चार्ज अप करने के लिए म्यूजिक प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड आज डीजे इन द जिम इज सुपर्ब। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में आप सुनेंगे बहुत बहुत जल्दी। इनफैक्ट देयर इज अ टीवी शो विच वन ऑफ द बिगेस्ट टेलीविजन शोज विच वी आर वर्किंग ऑन, विच आई एम प्रोड्यूसिंग एज वेल एज एक्टिंग, एंड वो एक है पाइपलाइन में जो कि आप इट्स NDA साइन क्यों है तो बोल नहीं सकता उसके बारे में, लेकिन एक इंटरनेशनल लेवल का कुछ है जो कि जनवरी से यू विल सी इट ऑन एयर। बहुत मज़ा आया। आई थिंक जिम में सब जाके बहुत बार बोर हो जाते हैं, एक ही जिम में जाना पड़ता है, कार्डियो करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं तो बोर हो जाता है। और गोल्ड जिम ने ये बहुत अमेजिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया जहाँ सब जिम के लोग साथ में आए, एंड एनर्जी, फन, वर्कआउट और एंड अ लॉट ऑफ मस्ती, नहीं तो बोरिंग नहीं था, बहुत मज़ा आया, मस्ती था, म्यूजिक था एंड लॉट ऑफ कॉमराडरी, तो आई थिंक इट वॉज अ वेरी मच ऑफ फन एंड आई एंजॉयड इट। बहुत मज़ा आया। आई थिंक जिम में सब जाके बहुत बार बोर हो जाते हैं, एक ही जिम में जाना पड़ता है, कार्डियो करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं तो बोर हो जाता है। और गोल्ड जिम ने ये बहुत अमेजिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया जहाँ सब जिम के लोग साथ में आए, एंड एनर्जी, फन, वर्कआउट और एंड अ लॉट ऑफ मस्ती, नहीं तो बोरिंग नहीं था, बहुत मज़ा आया, मस्ती था, म्यूजिक था एंड लॉट ऑफ कॉमराडरी,
तो आई थिंक इट वाज अ वेरी मच ऑफ फन एंड आई एंजॉयड इट. बहुत ज़्यादा, क्योंकि एनर्जी जो पंप अप करती है अगर हम सुबह उठे या शाम को और सिर्फ सब शांत है और एक्सरसाइज करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा. आई थिंक म्यूज़िक हर एक ही लाइफ में, जब कोई सैड होता है तो दुखी के गाने सुनता है, कोई हैप्पी होता है तो हम हैप्पी गाने सुनता है. सो जिम में मेरा खुद का एक आईपॉड है जो मैं प्लग कर देती हूँ अपने कान में, एंड आई ऑल्सो लिसन टू वेरी अप टेम्पो म्यूज़िक. वो है ना, पंप करता है, पुश करता है. सो आई थिंक म्यूज़िक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ. जिम करना, यू नो इट्स लाइक, जिन लोगों को खाना नहीं भी अच्छा लगता उनको हेल्थ के लिए हेल्दी फूड खाना पड़ता है. सो आई एम इन सच अ प्रोफेशन, आई हैव टू रिमेन फिट एंड ईट हेल्दी. तो जिम बहुत अच्छा लगता है बिकॉज एवरी टाइम यू वर्कआउट, जैसे मैं वर्कआउट करके घर आती हूँ तो बहुत हैप्पी फीलिंग होता है. आई थिंक बिकॉज ऑफ कोर्स साइंटिफिक रीजन है, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं बॉडी में. आई एंजॉय वर्किंग आउट. अच्छा, आपने बात की अभी फूड्स की और अपने आप को फिट रखने जी, तो आप अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करती है और ऑडियंस को क्या टिप देना चाहते हैं? बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, जैसे कहते हैं कि जितना आप यू नो वो कहते हैं जितना दाल में गुड़ डालेंगे उतना दाल मीठा होगा. तो जितना आप डाइट में हाउ मच यू विल टेक केयर इन योर डाइट एंड हाउ मच यू विल वर्कआउट, उतनी ब्यूटीफुल आपकी बॉडी लगेगी. सो हाँ, आई डोंट ईट जंक फूड, आई डोंट ईट पिज्जाज, बर्गर्स, पास्ताज, भजियाज, नथिंग. हाँ, एक डे दैट इज संडे आफ्टरनून आई डू अ चीट डे एंड आई ईट चीज केक्स एंड पेस्ट्रीज, वो मैं बहुत मजे से खाती हूँ. और आलू के पराठे ही संडे को, मीन्स वट एवर आई ऑल्टरनेटेड, कभी आलू के पराठे, कभी पाव भाजी, कभी छोले भटूरे एंड लॉट ऑफ मिठाई ओनली ऑन संडे. बट बाकी डेज इट इज सैलड्स, फ्रूट्स, रोटी, चिकन, दही, दाल, सब्जी एंड ओनली हेल्दी फूड. अच्छा, फिल्मों की बात करें तो अब हम बड़े पर्दे पर कब देख पाएंगे? बहुत जल्दी, अनफॉर्चुनेटली पाँच छः महीने तक मैं खुद बेड पे थी, एडमिट टू द वेरी बैड एक्सीडेंट, बट नाउ आई एम डूइंग थ्री फिल्म. तो अगले साल नेक्स्ट ईयर तक ऑल थ्री फिल्म विल रिलीज और ओवरडोज हो जाएगा पूजा चोपड़ा का. ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच.